प्रतापगढ़ जिला। यह जिला भारत देश का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली जिलों में से एक है। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक प्रतापगढ़ जिला के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिम से दक्षिण भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। प्रतापगढ़ जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस प्रतापगढ़ शहर में मौजूद है और प्रतापगढ़ जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। बात करें प्रतापगढ़ जिला के पड़ोसी जिला की, तो प्रतापगढ़ जिला के कुल 7 पड़ोसी जिला हैं, जिनके नाम है जौनपुर जिला, अमेठी जिला, इलाहाबाद जिला, कौशाम्बी जिला, सुल्तानपुर जिला, फतेहपुर जिला और रायबरेली जिला। प्रतापगढ़ जिला में 5 तहसील, 17 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 22 पुलिस स्टेशन, 9 नगर निगम और 2265 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर वही आबादी की बात करें तो साल 2011 के जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिला की कुल आबादी 32,09,000 है। अब इस 32,09,000 में पुरुषों की कुल आबादी 16,06,000 और महिला की कुल आबादी 16,03,000 है। प्रतापगढ़ जिला में हिंदू धर्म की आबादी 85% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 14% है। प्रतापगढ़ जिला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 151 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 694 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम प्रतापगढ़ जंक्शन है। इस जंक्शन में 3 प्लेटफॉर्म तथा 5 पटरी शामिल है। और बात करें प्रतापगढ़ जंक्शन के स्टेशन कोड की, तो इस जंक्शन का स्टेशन कोड PBH है और यह रेलवे स्टेशन वाराणसी रायबरेली लाइन, प्रतापगढ़ प्रयागराज सुल्तानपुर लाइन पर स्थित है और प्रतापगढ़ जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे प्रतापगढ़ जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 56, नेशनल हाईवे संख्या 96, नेशनल हाईवे संख्या 231 और नेशनल हाईवे संख्या 236 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। बात करें प्रतापगढ़ जिला के कुछ पर्यटन स्थलों की, तो प्रतापगढ़ जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। प्रतापगढ़ जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। प्रतापगढ़ जिला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम है लालगंज अजहरा, प्रतापगढ़ कुंड, गुमेश्वरनाथ धाम, शक्ति धाम, बाला देवी, शनिदेव मंदिर, ये सभी प्रतापगढ़ जिला में मौजूद हैं जो कि यहाँ के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे प्राथमिक स्कूल मौजूद हैं, इसके अलावा कई ऐसे PG कॉलेज और इंटर कॉलेज भी मौजूद हैं जो कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराते हैं। वैसे प्रतापगढ़ जिले का जो साक्षरता दर है वो है 73%, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 73% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के बारे में हम आपको बताएं तो वो है सरोजनी इंटर कॉलेज, MDPG कॉलेज, प्रताप बहादुर PG कॉलेज, प्रताप बहादुर इंटर कॉलेज, अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज, ये सभी उत्तर प्रदेश के इसी प्रतापगढ़ जिला में मौजूद हैं। वहीं अगर अस्पताल की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला में कई ऐसे सरकारी व प्राथमिक अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन इस जिले में कई ऐसे प्राइवेट भी अस्पताल हैं जो कि यहाँ के लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान
देता है। प्रतापगढ़ जिला के कुछ महत्वपूर्ण अस्पतालों के नाम है डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल, भानु हॉस्पिटल, रजत हॉस्पिटल, शक्ति विनायक हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रतापगढ़ जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।